क्वालिटी पे हो सकता है क्वांटिटी पे हो सकता है प्राइस पे हो सकता है कास्ट पे हो सकता है मार्केट शेयर पे हो सकता है इमेज पे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन गुडविल पे हो सकता है द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली सक्सीड एंड प्रॉस्फर इन द मार्केट प्लेस वेदर इट इज लोकल रीजनल नेशनल और ग्लोबल इन सब फैक्टर को देखे बगैर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली कैसे कंपीट कर सकती है द मोस्ट कंपनीज आर दैट डू द फॉलोइंग नंबर कंपेटिव कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअली इंप्रूव ऑल एरियाज कंसिस्टेंटली का क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ विद्पाम्पल पैप्सी कोक पैप्सी और कोक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंपेटिवनेस की पैप्सी और कोक तकरीबन लास्ट One and two centuries, they are competing with each other heavily. Particularly in the particular last three, four decades, there is a severe competition between Pepsi and Coke. The reason is that if Pepsi increases the prices, Coke also increases the prices. If Pepsi spend a huge amount of money on advertisement, similar, the Coke is also spending a huge amount of money on the advertisement. This is known as competitiveness, productivity, and competitiveness. Productivity, प्रोडक्टिविटी डी स्टूडेंट्स है रेशो बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट कि हम ऑर्गेनाइजेशन से ले क्या आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में दे क्या रहे हैं इनपुट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेबर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड ये इनपुट है इनपुट डालने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है वो आपकी आउटपुट है इनपुट आउटपुट और आउटकम इनमें फ़र्क इनपुट बेसिक इन्ग्रीडियंट्स विच यू पुट इन प्रोडक्शन प्रोसेस वो इनपुट है द रिजल्ट ऑफ इनपुट इज नोन एज आउटपुट और आउटकम क्या है द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज आउटकम मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फोर्टी फाइव बच्चों ने एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में वो इनपुट है आपके चार साल डिग्री प्रोग्राम के बाद उनमें से थर्टी फाइव बच्चे ग्रेजुएट हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट है उसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं थर्टी फाइव में जो अपने डिग्री को जेनुअन जस्टिफाई कर सकते हैं वो फर्ज करें दस स्टूडेंट्स हैं जो उसकी आउटकम है ये डिफरेंस है इनपुट आउटपुट और आउटकम में हमारा कंसेप्ट है बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज द कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ टू द इनपुट ऑफ रिसोर्सिस नीडेड टू प्रोड्यूस आर ड्रीवर डेम प्रोडक्टिविटी इज टिपिकली एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ आउटपुट

प्रोडक्शन मैनेजर वो शख्स है जो प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है इनपुट से लेके आउटपुट तक तमाम प्रोसेस प्रोडक्शन का हिस्सा होते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर इन चीज़ों को इंश्योर करता है कि किस तरह उसने इनको ले कर चलना है सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर शुड बी फेमिलियर विद दीज रूल्स एज वेल अब यहाँ दो कंसेप्ट आ गए प्रोडक्शन मैनेजर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर ने इनपुट आउटपुट आउटकम को इंश्योर करना है सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर ने इन सब के अंदर इंप्लाइज के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को इंशोर करना है प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग वैन नंबर वन आउटकम डिक्लाइन अगर आउटकम डिक्लाइन होती है तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है आउटकम डिक्लाइन होने की टू वजूहत हैं टू रीजन हैं इनपुट कम है या आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में लीकेज है प्रोडक्शन प्रोसेस में लीकेज है तो आउटकम कम होगी इनपुट ही कम दे रही हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस कम होगी दिस इज़ दन रीजन एंड इनपुट इज़ कॉन्स्टेंट और आउटपुट इज़ कॉन्स्टेंट बट इनपुट इंक्रीज़ अब ये दोनों आस्पेक्ट में देखा गया है इनपुट और आउटपुट किस तरह ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं और इन दोनों का जो प्राइमरली मकसद है वो ये है कि आर्गेनाइजेशन का इनपुट पर कंट्रोल हो आउटपुट पर कंट्रोल हो प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल हो आटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी

जब इनपुट बेटर क्वालिटी की होगी जब इनपुट डिजायर आउटकम अचीव करेगी फिर आउटपुट आपकी ज़्यादा होगी आउटपुट इंक्रीजिज एंड इनपुट इज कॉन्स्टेंट इनपुट फिक्स है और आपकी आउटपुट इनक्रीज हो ये एक बेटर कंडीशन की एग्जाम्पल है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आउटपुट इनपुट कॉन्टीन्यूस बेसिस पे अवेल्यूएट होती हैं कंट्रोल होती हैं मोनिटर होती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट अचीव किए जाते हैं क्वालिटी एंड कंपेटिवनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता प्रोडक्शन आउटपुट इनपुट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन अगर इनमें क्वालिटी ना हो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इमेज यू कैन एनहांस नो नेवर एवर क्वालिटी एंड अ अट्रॉन्ग रिलेशन विद ईच अदर क्वालिटी इज अर टू द एक्सटेंट एवरी कस्टमर है और जब कस्टमर एक्सपेक्टेशन मीट होती है तो उसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पेंसिल बाल पॉइंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि ये बाल पॉइंट पाँच दिन तक चलनी चाहिए अगर वाकई वो बाल पॉइंट पांच दिन तक चलती है तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन विल बी मीट अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन विल बी मेट जब हो जाती है तो उसके बाद में कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड तो अब यहां ये यह देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू टी पी टॉट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन वेन एवर यू विल प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट यू हैव टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर इफ़ योर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट यू हैव नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर

क्वालिटी विदाउट प्रोडक्टिविटी रिजल्ट इन कास्ट दैट आर टू हाई टू बी कम्पेटिव अगर आप सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करें और प्रोडक्शन एनहांस ना करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव ना करें इकोनॉमीज ऑफ स्केलूज अमाउंट में जब प्रोडक्शन ली जाती है तो फिक्स कास्ट विल रिमेन फिक्स वेरिएबल कास्ट विल चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली पर यूनिट कास्ट विल डिक्रीज और यू पर यूनिट कास्ट विल भी डिक्रीज हो जाएगी डी यूडेंट्स तो यू विल अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर क्वालिटी भी बेटर है हर जगह पे चेक एंड बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन इमेज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शंस विल बी एनहांस्ड हाउ सेफ्टी एंड हेल्थ कैन इम्प्रूव कम्पेटिवनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्योर हमारी बुक के रिलेटेड टॉपिक है ये स्पेसिफिक टॉपिक का ताल ही हमारे जो टाइटल ऑफ सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी उसके साथ लिंक है कि जो सेफ्टी और हेल्थ है ये कंपेटिवनेस को कैसे इनहांस करते हैं मेरे नज़दीक सबसे अहम पॉइंट ही ये है अगर ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे तो क्या वेदर दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन नो विल ट्राई टू स्विच अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन

how safety and health can improve competitiveness. However, with the dawning of the age, we know that technology has replaced human resource. But technology ko operate technology, you need human resource. For example, there is a camera in front of me. And who is operating that camera? There is someone who is operating that camera. Although technology is there, but you need some human person who will particularly train one and who will achieve the organization objective, who will operate that particular technology. I am using laptop. I am using computer. I have prepared these slides with the help of computer. And who operated the computer? There is someone who operated the computer. It means that concept of technology is there, but the importance of a human resource is there. टल एबिलिटी बिकेम मोर चेंज मेंटल एबिलिटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल एबिलिटी सडनली द नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स गॉड्स मार्डर आई वु गिवजाम्पल कम्पिटिशन एग्जाम पाकिस्तान में होते हैं सी एस एस एग्जाम उसकी जो पिछले पाँच दस साल से ट्रेंड चल रहा है वो टू परसेंट के नज़दीक पासिंग स्टूडेंट्स हैं वाई टू परसेंट वेयर आर द रिमेनिंग नाइन्टी एट परसेंट रिमेनिंग नाइनटी एट परसेंट स्टूडेंट्स डज नाट क्वालिफा फाइनल एग्जाम इट वॉज एग्जाम्पल। अब इसी तरह क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कंसेपचुअल ह्यूमन नॉलेज स्किल एबिलिटीज बेस पे पीछे रह जाते हैं जिन ह्यूमन रिसोर्स में नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज़ है वो सक्सेसफुल लोग हैं और वो आटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन इमेज में अनहानस का बायस बन रहे हैं In fact, as the workplace is becoming increasingly technical and complex nowadays, the literacy level of the labor pool is actually declining in the United States. Here is a typical example of United States. Literacy level. Literacy level doesn't mean only knowledge, only education. Someone is matric, intermediate, bachelor, master. Literacy also increase the basic certifications. बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट टेक्निकल एजुकेशन एक्सपर्टीज बेसिक स्किल ह्यूमन स्किल टेक्निकल स्किल इंटरपर्सनल पीपल हु हैव स्किल्स, दे आर आल्सो लेबर फोर्स देबर दे पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो यहाँ पर इस चीज़ को इंशोर किया गया है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेटिव बेस पे कंपीट करना चाहती है तो देर इज वन फैक्टर दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो कि सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करे फिर ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी लेवल के ऊपर चाहे वो लोकल है रीजन है नेशनल है इंटरनेशनल है मल्टीनेशनल लेवल है उस पर कम्पीट कर सकती है